जो कि 24 घंटे में कभी भी डायरेक्ट बिना अपॉइंटमेंट के राहुल जी से मुलाकात करते थे। आप करो शिवराज हमारा नेता महाराज भाई, आपको जब आपको राम मंदिर नौटंकी लग रही है, जो 550 साल का मुद्दा था, अरे आज स्थिति हमारी यह है कि एशिया महाद्वीप में हम सबसे कमजोर हैं। धान जब खरीदी गई तब कांग्रेस शासन था। पार्टी ध्यान दे, दिल्ली में शराब के माफिया, केजरीवाल के कई मंत्री जेल के अंदर है। तो भ्रष्टाचार के लालू के साथ हैं, ये राहुल के साथ हैं, ये ममता बनर्जी के साथ हैं, ये झारखंड वाले सीएम के साथ हैं, ये दापर भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द खबरदार चैनल के ओपन इंटरव्यू में। आज हमारे साथ यहां मौजूद है बीजेपी, कांग्रेस और आप दल के, जो कि 24 घंटे में कभी भी डायरेक्ट बिना अपॉइंटमेंट के राहुल जी से मुलाकात करते थे, और ऐसा कोई भी नेता बिना राहुल जी से बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता है। बड़े नेता सब जानते हैं, लेकिन सिंधिया जी को बिल्कुल दोस्त की तरह उनको मानते थे। मैं अनुपम तिवारी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूं। अगर जहां रही सिंधिया जी की बात, वो एक मध्य प्रदेश के सम्मानित और कद्दावर नेता है, और कांग्रेस ने उनके साथ छलावा ये किया। एक बदली कहावत है कि बर दिखाई में, तो वही हुआ कि बर को आपने युवा दिखाया। सही बात है, बारात जाने की बारी आई तो कमलनाथ जी 80 वर्ष के नौजवान, उनको आप कहेंगे देखिए हमारे यहाँ 2008 के चुनाव का नारा क्या था, मैं नारा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बोली बोली सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी प्रभावी रहेगी। प्रभावी नहीं, मैं अधीन सिद्धांतों की बात है। जहाँ सिंधिया जी की जहाँ बात है, नारा क्या था, माफ करो महाराज, माफ करो शिवराज हमारा नेता महाराज। महाराज के नाम पे आपने चुनाव लड़ा, आपने सत्ता पाई, और महाराज को आपने बेइज्जती करके एक राज्यसभा साइड लाइन कर दिया। सही बात है, वो एक राज्यसभा का टिकट नहीं, एक पार्टी है। अब जहाँ किसी मान में आ जाए, अगर आपको इतिहास में दिखाए खानदान में गद्दार का दाग लगा है, अभी तक आपके साथ थे तो चाहता हूं। जो अभी आपने भैया ने जो कहा कि महिला सुरक्षा में अगर सबसे ज्यादा कोई बदनाम राज्य है, बगल में राज्य राजस्थान है, आप डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं में अपराध अगर जो कहीं पे है वो राजस्थान में है। और जहां रही सीधी पेशाब कांड की बात, तो उसका भी रिएक्शन आपने देखा था। पहली चीज तो वहां के तत्कालिक जो विधायक है उनकी टिकट भाजपा ने काट दी। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आदिवासी व्यक्ति को अपने पास बुला के जो उसका सम्मान करना दिखाई, कैमरा के सामने आपको कैमरा से भाई आपको जब पैर धोना है तो आप बिना कैमरा के सीधी बात यह है, जब आपको राम मंदिर नौटंकी लग रही है, जो 550 साल का मुद्दा था, अरे आप 70 साल से हल कर देते वो मसला, आप भी मनवा देते, आप भी चंदा ले लेते, काहे को हमारे लिए छोड़ देते। और हम सब सत्ता में रहने के बाद भी कुछ प्रमुख मुद्दे जो पूरे देश में बने रहते, उसको लेकर तो पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमारी रीत नीति है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सारे लोग भारतीय। ये बताइए आप, इसे मुसलमानों को गाली दी जाती है। जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो उस समय छूट दी गई कि जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान जा सकते हैं। अब वो हिंदुस्तान में जो मुसलमान उस समय रुके रहे होंगे, वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत को प्यार करते रहे होंगे, तब आप रुके थे। आज स्थिति हमारी यह है कि एशिया महाद्वीप में हम सबसे कमजोर है। एशिया महाद्वीप का कोई भी देश हमारे साथ में आज खड़ा होने वाला नहीं है, सब किसानों के विरोध में। आप हिंदू कमजोर शासक होता है, आप हिंदू की बात करते हो, अकेला देश है नेपाल हिंदू राष्ट्र, आपका और
पूरे मतलब कि नेपाल में सिर्फ एक ही घुसने की रास्ता थी बाय रोड, वो भारत से जाती है, फिर भी आप चीन वहां से हवाई जहाज के से सारी चीजें आप आज जाएंगे नेपाल देखिए पूरा वहां पे चीन आधा बस गया है। देखिए पत्रकार ये जो मैं आप सभी को कहूंगा, बात शुरू की थी हमने 73 से और अब एशिया महाद्वीप और विदेशों तक और बात करता हूँ हमारे साथ आपका परिचय है। जी मेरा नाम राम कुमार दुबे, युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से, जैसा कि बीजेपी द्वारा अभी ये बताया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि देश विदेश हर जगह मोदी के नाम को लेकर चर्चाएं हैं और मोदी जैसा नेता पूरे विश्व में है, आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो महिलाओं का सबसे अधिक अपराध है वो राजस्थान में, आपको मैं बता दूं, आप अभी गूगल खोल के देखिए, सबसे अधिक बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज है, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 ठीक है, और कन्विक्टेड अपराधी की सबसे कम रेशियो मध्य प्रदेश में है कि बलात्कार के आरोपियों को सजा मिले, ऐसा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शाही है मोदी जी, अब आपने 70 की बात, किसानों की बात करते हैं, विधानसभा 64 है, माननीय विधायक जी जब नहीं थी भाजपा की सरकार नहीं थी तो यहीं से धान चोरी हुई थी, आपके यहाँ से धान चोरी हुई थी, गुजारा माननीय विधायक जी जनसंघ बैठे सब लोग, उसके बाद जब भाजपा की सत्ता आई तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, वो अनशन भी भुला दिया गया, वो कार्यवाही भी भुला गई आरोपियों के ऊपर, ये इनकी किसानों के साथ वो है नैतिक जिम्मेदारी है, इनका रोजगार देने का जो इनका फलसफा है वो जुमला है, 15 लाख इन्होंने रोज डाल ये रोड डाल रहे हैं, तो इस तरीके से है। अब इस हिसाब से अगर आप कहते हैं जैसे इन्होंने 74-70 में कहा गुलाला ने धान चोरी हुई थी पिछले साल, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था, इस विषय में क्या है? धान जब खरीदी गई तब कांग्रेस शासन था, माननीय विधायक की धरना दिए, यहाँ पोर्टल नहीं खुल रहा था, किसी तरह पोर्टल एक दिन के लिए खुला, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी ने लिख के संतरे गढ़ को दे दिए कि हमारे यहाँ एक दाना धान खरीदी बाकी नहीं है, शेष नहीं है, इसके जिम्मेदार पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग वो कमलनाथ जी, क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे जब धान खरीदी गई, तो अगर ये लिख के ना देते कलेक्टर महोदया से लिखवा के कमलनाथ जी ने दे दिया कि मतलब रीवा जिले में कहीं पर भी अब धान खरीदी शेष नहीं रह गई है, तो धान यहाँ पर स्टॉक थी, फिर वही कांग्रेसी यहाँ के चूंकि जहाँ धान धरी थी वहाँ पर कांग्रेस के बहुलता इलाका है, वार्ड क्रमांक 5 भगवानपुर में सर्वाधिक मतदाता वहाँ कांग्रेस के लोग हैं, वही कांग्रेसी लूट के अपने भित्ते धर लिए, तो फिर अब दूसरे पर दोष दे रहे हैं, भाई जब आप स्वयं जिम्मेदार हो जहाँ पर धान धरिए गुलाला तालाब, आप मतदाता सूची उठा के देख लीजिए जो वहाँ का कैंडिडेट है, वहाँ उनके रिश्तेदारी सड़वान है, फुफुआउर है, मौसियाउर है, वहीं पर धान थी गुलाला तालाब में, बाढ़ कौन पास भगवान सब उधर लेते हैं, वो सारी धान यहाँ के जो प्रत्याशी थे उन्होंने खड़े होकर रुकवाया कांग्रेस के प्रत्याशी। रही बात अपराध की, तो आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, दिल्ली में शराब का माफिया केजरीवाल जी आए, आप पार्टी ध्यान दे, दिल्ली में शराब के माफिया केजरीवाल के कई मंत्री जेल के अंदर है, बड़ा आश्चर्य लगता है, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार को लेके आए थे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, 36,000 करोड़ का पर्दा मानी केजरीवाल जी के मकान में लगा, 36,000 करोड़ का पर्दा, बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मुखो ये कह रहे थे कि हम तो गाड़ी नहीं लेंगे भाई, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ऐसे आवास में रहेंगे, भाई वो क्यों लगवाए, छत मरम्मत किराए नहीं, और छत बोले पर्दा लग गया छत सही हो गया पानी नहीं टपकेगा, तो ये भ्रष्टाचार के ये लालू के साथ हैं, ये राहुल के साथ हैं, ये ममता बनर्जी के साथ हैं, ये झारखंड वाले सीएम के साथ हैं, ये तापक भ्रष्टाचारी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।